हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहां पे अच्छा हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सैलरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, मोर देन 50 क्वेश्चंस मैंने ड्राफ्ट किए हुए हैं सैलरी के ऊपर, और हम इन क्वेश्चंस को एक साथ बैठ के डिस्कस करेंगे अब, और समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे करते हैं। राइट, अब आप एक काम करो प्लीज। सबसे पहले मेरे पास ये बुक है, आपके पास भी होगी, तो मुझे ब्लैंक पेज चाहिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं वहां करूंगा तो मेरे को ये क्वेश्चंस दिखाई नहीं देंगे, आपको स्क्रीन पे सिर्फ आंसर दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन वाली बुक आप अपने पास रख लो। पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और फिर स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स ज्वाइंस द सर्विस इन द ग्रेड ऑफ रुपीज 15,000, 1,000, 19,000, 2,000, 27,000 ऑन 1-8-2011, यानी कि एम्प्लॉइज जो ज्वाइन हुए ना, एम्प्लॉई ज्वाइन हुआ है 1 अगस्त 2011 को, उसकी बेसिक सैलरी निकालनी है आपको फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। आपको याद होगा ये क्वेश्चन सेक्शन 15 के क्वेश्चंस है, यानी कि जब हम बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ते हैं ना तो वहां के क्वेश्चन है, हाउ टू कंप्यूट द बेसिक सैलरी इन द ग्रेड सिस्टम। यहां पे क्वेश्चन हमें ग्रेड सिस्टम दिया हुआ है और इस ग्रेड सिस्टम के थ्रू हमें एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी निकालनी है। जब भी एक बड़ा फुल फ्लेज लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो लोग ये उस क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होता है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, उसको जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है वो ग्रेड सिस्टम में मिलती है, तो सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी ही निकालनी पड़ती है। राइट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा समझाता हूं, सर ग्रेड का मतलब क्या है? 15,000, 1,000, 19,000, 2,000, 27,000, क्या मतलब है? जब एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया था ना तो उसको सैलरी उसकी स्टार्ट हुई है 15,000 से, और साथ में यह भी बात हुई है कि हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 1,000 रुपए का। कब तक मिलेगा? जब तक कि आपकी सैलरी नहीं हो जाती 19,000 रुपए। मतलब पहले साल 15,000, अगले साल उसकी सैलरी इंक्रीज होके हो जाएगी 16,000, फिर अगले साल इंक्रीज होके 17,000, फिर अगले साल इंक्रीज होके 18,000, फिर अगले साल इंक्रीज होके 19,000, लेकिन उसके बाद 19,000 के बाद जो इंक्रीमेंट होगा वो 1,000 का नहीं 2,000 रुपए का होगा। यानी कि जब 19,000 हो जाएगी सैलरी तो उसके अगले साल से सैलरी मिलेगी 21,000, 2,000 का इंक्रीमेंट। 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27। हालांकि इस क्वेश्चन में 27 तक दिया हुआ है, फर्दर इंप्लॉई काम करता है तो उसका नया ग्रेड बनता है फिर। राइट, तो ग्रेड सिस्टम का मतलब 15,000 से स्टार्ट होगा, 1-1,000 का एनुअल इंक्रीमेंट होगा, हर साल का इंक्रीमेंट होगा, जब तक कि ये इंक्रीमेंट होते हुए सैलरी पहुंच नहीं जाती 19,000 रुपए तक। और जब उसकी सैलरी 19,000 रुपए पहुंच जाएगी तो यही इंक्रीमेंट 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए होना शुरू हो जाएगा, टिल जब तक कि उसकी सैलरी पहुंच नहीं जाती 27,000 तक। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने, पहला पॉइंट क्वेश्चन में निकालना क्या है? सर क्वेश्चन में हमें निकालना है कंप्यूट हिज बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सर असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब है प्रीवियस ईयर 1920, मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में उसे कितनी सैलरी मिलेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, मैं करता हूं क्वेश्चन कैलकुलेट। तो सर आपको मैं पावर पॉइंट के थ्रू दिखाऊंगा, पीपीटी मैंने इस पे बनाई हुई है, उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल। क्वेश्चन आपके पास है, मेरे पास भी क्वेश्चन है, मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया था 1 अगस्त 2011 से, 1 अगस्त 2011 से लेकर 31 जुलाई 2012, एक साल, फिर 12 से लेकर 13 तक, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20। ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूं। मुझे उसकी सैलरी निकालनी है प्रीवियस ईयर 19-20 की। प्रीवियस ईयर 19-20 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। सर 1 अप्रैल 2019 कहां पे होगा इस पूरी लिस्ट में? सर मेरे ख्याल में यहां होगा। अगर मैं बोलूं 1 अप्रैल 2019 यहां होगा तो यहां से लेकर यहां तक उसे कितनी सैलरी मिली ये देखना है मुझे, क्योंकि ये 31 जुलाई है, मुझे तो 31 मार्च 20 तक देखना है। तो फिर यहां से लेकर यहां तक उसे कितनी मिली ये देखना है, 1 अगस्त 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक।
प्रैक्टिकली मुझे इतनी सैलरी देखनी है, अप्रैल 19 से लेकर और मार्च 20 तक की सैलरी देखनी है। अब क्वेश्चन में मेरे पास डायरेक्टली नहीं गिवन कि उसे अप्रैल में कितनी सैलरी मिल रही है 19 में, मुझे उतना पता है 1 अगस्त 2011 को उसने ज्वाइन किया था, उस समय उसकी सैलरी 15,000 थी। मैं जानता हूं अगले साल उसकी सैलरी 16 हो गई होगी, उसके अगले साल 17 हो गई होगी, उसके अगले साल 18,000 पे, उसके अगले साल 19, यस और नो? अब 19 के बाद सर, 19 के बाद सीधा 21, बिल्कुल सही, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, तो ये रही होगी। अब मैं इस क्वेश्चन में ढूंढ सकता हूं कि 19-20 में, प्रीवियस ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 20-21 में उसका बेसिक सैलरी का अमाउंट कितना आएगा। कैसे सर? ये मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं असेसमेंट ईयर 20-21, जिसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर 19-20। 19-20 में ये रही, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 जुलाई तक उसकी सैलरी थी 25,000 रुपए महीना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने उसकी सैलरी रही है 25,000 रुपए महीना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 25,000 × 4, 1,00,000 रुपए। और अगस्त से लेकर मार्च 2020 तक महीने बनेंगे 8, क्योंकि टोटल महीने 12 होते हैं, तो 4 तो ऊपर आ गए तो नीचे 8 ही आएंगे। अगस्त टू मार्च 8 महीने हैं। इन 8 महीनों में उसकी सैलरी रही है 27,000 पर मंथ, और इसका टोटल आएगा 2,16,000। टोटल सैलरी बन गई 3,16,000। तो हम बोलेंगे सर उसकी बेसिक सैलरी, जो क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूट बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 1920 या असेसमेंट ईयर 2021, एक ही बात है, उसकी बेसिक सैलरी रहेगी 3,16,000 रुपए। प्लीज टेल मी द क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर। यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्लीज 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 बताइए। आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, दिखा दो सर अपने क्वेश्चन नंबर 2 दिखा दो सर। चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेंगे साथ, वरना आपके पास बुक है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो सीधा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मिस्टर एक्स ज्वाइंड ए सर्विस ऑन 1 अगस्त 2013। ऊपर वाले क्वेश्चन में इसने ज्वाइन किया था 1 अगस्त 2011 को, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने ज्वाइन किया है 1 अगस्त 2013 को, और ग्रेड वही है 15,000। उसकी सैलरी रहेगी 15,000 जब वो ज्वाइन करेगा, और एवरी ईयर जो इंक्रीमेंट होगा 1,000, और टिल इंक्रीमेंट रहेगा जब तक उसकी सैलरी हो नहीं जाती 19,000, और फिर इसकी सैलरी 2,000 से इंक्रीमेंट होगी जब तक कि इसकी सैलरी 25,000 नहीं हो जाती। कोई बात नहीं, 25 लिखा हुआ, आप 27 कर लो, चाहे आप इसको 27 ही कर लो, 27। लेकिन यह क्वेश्चन में एक नया चीज है, लिखा हुआ है एंड हिज सैलरी फिक्स्ड एट ₹17,000 पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसका मतलब है एम्प्लॉय ने जब ज्वाइन किया, ग्रेड तो 15,000 वाला था, लेकिन उस एम्प्लॉय को बोला गया आपको हम इस ग्रेड के बीच में से ज्वाइन करवाएंगे। ग्रेड के बीच में से मतलब आपको हम 17,000 रुपए से ज्वाइन करवाएंगे। अब फिक्स्ड का मतलब यह नहीं है कि 17 ही रहेगी फिर उसकी सैलरी आगे भी, नहीं, फिक्स्ड का मतलब है उसको ज्वाइन इन बिटवीन द ग्रेड करवाया गया है। हालांकि ग्रेड 15,000 से शुरू है, लेकिन उसको 17 से ज्वाइन करवाया गया है। जब वो 1 अगस्त 2013 को ज्वाइन करेगा तो उसकी सैलरी 17,000 होगी, उसके बाद बढ़ेगी, अगले साल 1,000 बढ़ेगी जब तक कि 19 नहीं हो जाती, एक एक बढ़ेगी, फिर दो दो बढ़ेगी जब तक कि 27 नहीं हो जाती। वो क्वेश्चन सेम रहेगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां आपने एम्प्लॉई ने जिस दिन ज्वाइन किया ग्रेड वहीं से स्टार्ट है और वहीं से ही उसको सैलरी मिल रही है, और कभी कभी एम्प्लॉई ज्वाइन तो करता है लेकिन उसको सैलरी ग्रेड के बीच में से ज्वाइन करवा देते हैं, सैलरी ग्रेड के बीच में से मिलती है। जैसे इस क्वेश्चन में हालांकि ग्रेड 15,000 से शुरू हो रहा है लेकिन उसको 17,000 से डायरेक्ट ज्वाइन करवाया गया है, तो 17,000 से ज्वाइन कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कैलकुलेट क्या करना है? बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है, हम कर लेते हैं क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। आ जाओ फटाफट, ये क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हो मेरे साथ। वन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है 1 अगस्त 2013 से लेकर 31 जुलाई 2014, एक साल पूरा लेना होता है, 1 अगस्त 2013 से 31 जुलाई 2014, एक साल। ग्रेड था 15 का, लेकिन हम ज्वाइन करेंगे 17 से, तो ये पहले वहीं तक लिख लेंगे 20 तक, 17, फिर 18, फिर 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27, ठीक है। हमें कहां से ढूंढना है? सर हमें ढूंढना है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक,
और यहां से देखना है 1 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। सर अपने को यहां से लेकर यहां तक की सैलरी ढूंढनी है, तो देखते क्या आंसर आता है। सर अप्रैल से लेकर जुलाई 4 महीने 25,000 × 4 और अगस्त से लेकर मार्च 27,000 × 8 महीने तो आंसर आएगा 2,3,16,000। सेम आंसर आया, चांस की बात है। वो चाहता तो ये क्वेश्चन 16,000 से भी ज्वाइन करवा सकता था तो आंसर अलग आ जाता। तो यहां मैं आंसर लिख रहा हूं बेसिक सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 या प्रीवियस ईयर 1920 एक ही बात है, एक ही बात है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। आई होप इट इज क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो सर। व्हाट विल बी योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, जब वो 11 से ज्वाइन करता है और 15,000 के ग्रेड से ज्वाइन करता है ना, उसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है व्हाट विल बी योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 इफ सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। सर आपको याद होगा मैंने आपको जब कंसेप्चुअल करवाया था सैलरी तो बताया था कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो सैलरी ड्यू इन द सेम मंथ, ड्यू इन द सेम मंथ बट पेड इन द नेक्स्ट मंथ। अभी देखो, अभी क्या होता ना कि ड्यू सेम मंथ में होगा ना, पेड अगर सेम मंथ में हो या नेक्स्ट मंथ में होता कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं बताता हूं आपको, जो मैं लिखा ना बट पेड इन द नेक्स्ट मंथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ड्यू हो गया ना सेम मंथ में, अर्लियर ड्यू हो गया ना। तो आपको पता है सैलरी जो है हमें वो लेनी होती है, या जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है सैलरी चैप्टर के लिए, वो हमें अप्रैल टू मार्च लेना होता है। यस सर। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, ड्यू कब हुआ, पेड कब होगा, तो भी हमें यही मानना होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है सर। लेकिन अगर पेपर में लिखा हो सैलरी ड्यू इन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ या किसी भी दिन ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि सैलरी जो आपकी ड्यू हुई ना वो इस मंथ नहीं हुई है, नेक्स्ट मंथ में हुई है, और पेड ऑल्सो इन द नेक्स्ट मंथ बट पेड 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, चलो ऐसा मान लेते हैं पेड 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है आपकी सैलरी ड्यू भी अगले महीने है, पेड भी अगले महीने है, ड्यू भी नेक्स्ट मंथ में है, पेड भी नेक्स्ट मंथ में है। तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में हम लोग ना जो सैलरी के लिए प्रीवियस ईयर लेंगे वो लेंगे मार्च टू फरवरी। लॉजिक मैंने आपको वहां बताया था, क्योंकि ड्यू और पेड अगर दोनों ही नहीं है तो नेचुरली बात है उस महीने में सैलरी टैक्सेबल कैसे होगी। थोड़ा बता दूं लॉजिक, जो बच्चे अलग से देख रहे होंगे बेचारे उनको बता दूं। देखो आप जानते हो हमारा साल अप्रैल टू मार्च होता है। सर मार्च की महीने की सैलरी जो है वो ड्यू भी नेक्स्ट मंथ में हो रही है, पेड भी नेक्स्ट मंथ में हो रही है। मार्च महीने की सैलरी ड्यू भी नेक्स्ट मंथ में है, पेड भी नेक्स्ट मंथ में है। मार्च महीने की सैलरी ड्यू भी नेक्स्ट मंथ में है, पेड भी, यानी कि इस मार्च महीने की सैलरी इस मार्च महीने में टैक्स हो ही नहीं पाएगी, ये तो अगले साल चली जाएगी, क्योंकि ना ड्यू हो रही है ना पेड हो रही है। अगर आपको याद हो मैंने डिस्कस किया था सैलरी तभी टैक्सेबल होती है व्हेन ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, ना ड्यू है ना पेड है, ड्यू भी इन द नेक्स्ट मंथ है, पेड भी इन द नेक्स्ट मंथ है, और जो नेक्स्ट मंथ है वो तो अगले साल में आता है, तो मार्च भी अगले साल चला जाएगा। हमारे पास यहां साल फरवरी तक ही रह जाएगा, फरवरी तक ही रह जाएगा। और एक बात बताऊं, फरवरी तक देखोगे तो 11 महीने बनते, और देखा जाए तो पिछले साल वाला मार्च भी तो यहां आ जाएगा फिर, तो ये मार्च टू फरवरी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो मार्च टू फरवरी हो जाएगा। मैंने वहां पे बहुत डिटेल में करवाया था, जब मैंने वो कॉन्सेप्ट करवाया था तो बहुत ज्यादा डिटेल में करवाया था। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी आप रट्टा मार लो, अगर जो लोगों ने मेरे प्रैक्टिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन नहीं पढ़े, कंसेप्ट नहीं पढ़े, वो सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, वो लोग इसको ऐसे याद कर लो कि अगर ड्यू और पेड दोनों ही अगले महीने हो तो जो प्रीवियस होता है वो सैलरी पर्पज के लिए मार्च टू फरवरी होता है।
ड्यू या पेड में से एक भी अगर सेम मंथ में आ जाए, चाहे ड्यू सेम मंथ में हो चाहे पेड सेम मंथ में आ जाए, तो हमेशा अप्रैल टू मार्च होता है, वो इसको रट ले। और जिन्होंने कंसेप्ट क्लियर पढ़ी है उनको याद होगा, समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो मैं फिर बोल देता हूं, सैलरी ड्यू एंड पेड दोनों ही नेक्स्ट मंथ हो तो मार्च टू फरवरी होता है, ठीक है, मार्च टू फरवरी होता है। अब इसका मतलब क्या है सर, आप बताओ क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या लिखा है। कह रहे जो क्वेश्चन नंबर वन था उसमें जो सैलरी है वो आप ये मानो ड्यू एंड पेड फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ड्यू और पेड दोनों नेक्स्ट मंथ में, तो आप ईयर कौन सा मानेंगे, मार्च टू फेब, मार्च टू फेब। अच्छा मैं आपको याद दिला दूं, क्वेश्चन नंबर वन दिखा दूं एक बार। हाँ दिखा दो सर, क्वेश्चन नंबर वन ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर वन ये रहा, ये अगर ड्यू और पेड नेक्स्ट मंथ में है तो फिर नेचुरली बात है आप जो साल लेंगे वो मार्च टू फरवरी लेंगे, तो यहां मार्च से शुरू होगा क्वेश्चन और यहां पर फरवरी तक खत्म हो जाएगा। हाँ सर ये भी होगा, तो सर इस सेशन में मंथ ज्यादा हो जाएंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने हो जाएंगे, तो सर आपका आंसर आएगा 25,000 × 5 महीने, और यहां पर 7 रह जाएंगे 27,000 वाले में, तो आंसर आएगा 27,000 × 7 महीने, ऐसे आंसर निकलेगा, क्योंकि ड्यू एंड पेड इन द नेक्स्ट मंथ है, तो ईयर मार्च टू फरवरी है, तो फिर आप अप्रैल टू फरवरी थोड़ी देखोगे, मार्च थोड़ी देखोगे, मार्च टू फरवरी देखोगे, यहां से यहां तक देखोगे, मार्च के महीने से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आई होप इट इज क्लियर। दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने कैसे किए, तो क्वेश्चन नंबर थ्री बिल्कुल ऐसे ही किया जो आप देख रहे हैं, मार्च टू जुलाई, जुलाई तक लेंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने हो गए, तो ये 1,25,000 हो गया, और अगस्त टू फरवरी 27,000 × 7 हो गया, यानी कि 1,89,000, टोटल आ गया 3,14,000। प्लीज टेल मी ये आपका बन गया बेसिक सैलरी, ये आपका बन गया बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 1920। बस इसमें आपने क्या किया है, सैलरी जो ड्यू हुई है और जो पेड हुई है वो दोनों फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, इस मार्च के महीने में कुछ भी नहीं हुआ, ना ड्यू ना पेड, तो बस अप्रैल टू फेब, अप्रैल टू मार्च की जगह हमने मार्च टू फेब ले लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर चार कह रहे व्हाट विल बी योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर वन इफ सैलरी इज ड्यू इन द लास्ट डे ऑफ द मंथ बट पेड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। सर इसका मतलब है सैलरी ड्यू इन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब उसी महीने सैलरी ड्यू होगी ना, चाहे महीने के आखिरी दिन ड्यू हुई है, सैलरी ड्यू इन द लास्ट डे ऑफ द मंथ होगी ना, तो सर वही आंसर आएगा जो अप्रैल टू मार्च में आता है। हमने पहला क्वेश्चन वैसे भी अप्रैल टू मार्च से किया था और अकॉर्डिंगली अभी भी अप्रैल टू मार्च ही करना है, तो सेम आंसर रहेगा सर, सेम आंसर रहेगा 3,16,000 वाला, सेम आंसर। ओके, आप इसमें लिख सकते हो अपने नोट्स के अंदर जो मेरी बुक आपके पास है, सेम। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए प्लीज। मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉई ऑफ एबीसी लिमिटेड, एक्स जो है वो एक एम्प्लॉई है एबीसी लिमिटेड का, एंड गेटिंग सैलरी 60,000 पर मंथ, ठीक है, विच इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। अब ये कब ड्यू हो रही है, लास्ट डे ऑफ द मंथ। आप जानते हैं जब सैलरी लास्ट डे ऑफ द मंथ में ड्यू होती है तो अप्रैल टू मार्च प्रीवियस ईयर रहता है, तो यहां पर अप्रैल टू मार्च रहेगा। 60,000 में महीना है तो 12 महीनों की निकाल दो बस। कह रहे बट पेड 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उससे हमें क्या मतलब, ड्यू तो हो गई ना इस मंथ में, ड्यू तो हो गई ना, तो बस बात खत्म, अप्रैल टू मार्च रहेगा। तो 60,000 × 12, 7,20,000, सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज पहले आप मेरा क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर देखना। दिखा दूं क्वेश्चन एक बार आपको नोट्स में से, दिखा दूं, चलो आ जाओ, आंसर मत देखना, देख रहे तुम नलायक लोग, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉई ऑफ एबीसी लिमिटेड, तो एक्स किसका एम्प्लॉई है सर, एबीसी लिमिटेड का। ही रिसीव्ड द फॉलोइंग, एक तो उसे बेसिक सैलरी मिल रही है 10,000 रुपए महीना, ठीक है, और यहां अच्छी बात उसे मिल रही है एडवांस सैलरी, और एडवांस सैलरी कितनी मिल रही है वो कह रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20 एंड मे 20 के नाम की 20,000 रुपए, दो महीनों की मिल रही है 10,000 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए। फाइंड आउट ग्रोस सैलरी, फाइंड आउट अब ग्रोस सैलरी निकालनी है फॉर असेसमेंट ईयर 2020, 2021 एंड 2021-22, अगले साल की भी पूछ रहा है, ग्रोस सैलरी निकालो इस साल की भी और अगले साल की भी। सर मैं आपको याद दिलवाऊं, अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है हमारे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 पर, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है सेक्शन 15 तो वहां पर था एक एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15,
एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 और वहां हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। मैं आपको बता दूं इस कॉन्सेप्ट का मतलब है जो एडवांस सैलरी है वो किस साल टैक्सेबल होगी। अब मेरी बात समझो, मार्च का महीना चल रहा है, अब इमेजिन करो ये साल चल रहा है मार्च का महीना, मैंने मेरे एम्प्लॉयर को बोला सर अगला साल शुरू होने वाला है। उसने बोला हाँ मुझे मालूम है मार्च का महीना चल रहा है तो अगला साल अप्रैल शुरू होने वाला है। मैंने कहा सर मुझे अगले साल अप्रैल और मई दो महीनों की सैलरी एडवांस चाहिए। एम्प्लॉयर ने बोला अच्छा। मैंने कहा देखो सर मार्च चल रहा है, साल खत्म होने वाला है, आज ही आपसे लूंगा अगले साल के दो महीनों की, तो एडवांस ही बोलेंगे इसको। बोला हाँ ये बात तो है। सर मार्च का महीना था, मैंने उससे अगले साल अप्रैल और मई की दो महीनों की एडवांस सैलरी ले ली। प्रश्न यह है कि ये दो महीनों की एडवांस सैलरी लिए 20,000 रुपए, ये इसी महीने टैक्सेबल होंगे, मतलब इसी साल टैक्सेबल होंगे, या जब अगला साल आएगा जिस साल की सैलरी बनती है उस साल टैक्सेबल होंगे। सर मैं पूछना चाहता हूं कि एडवांस सैलरी कब टैक्सेबल होती है, जब वो एडवांस के रूप में मिल जाती है उसी साल, या जब वो एक्चुअल में जिस महीनों की होती है जिस साल की होती है वो साल जब आता है तब टैक्सेबल होती है। दैट इज माई क्वेश्चन। सर इसका जवाब सेक्शन 15 ने दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ने नहीं, सेक्शन 15 ने दिया हुआ है। सेक्शन 15 कहता है कि जो सैलरी है वो टैक्सेबल होती है ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब सर इसका मतलब बनता है सैलरी टैक्सेबल होगी या तो वो बन गई चाहे आपको मिली हो या ना मिली हो, या आपको मिल गई चाहे वो बनी हो या ना बनी हो। ओ इसका मतलब एडवांस सैलरी पेड बेसिस पे टैक्सेबल होगी, बिल्कुल सही। आपको एडवांस मिल गया बात खत्म, आपको सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है जब अगला साल आएगा, जिन महीनों की ये दो महीनों की सैलरी है क्या उस साल दोबारा टैक्सेबल होगी। आप मुझे एडवांस मिला सैलरी टैक्सेबल हो गई, लेकिन अगले साल जब आएगा जिन दो महीनों की एडवांस सैलरी मुझे मिली थी वो अगले साल आएंगे, तो क्या उन दो महीनों में दोबारा टैक्सेबल होगी। इस बात को एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ने बताया है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 कहता है कि अगर कोई सैलरी एडवांस बेसिस पर ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है तो जब वो ड्यू होगी तो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी, और वाइस वर्सा, या फिर अगर कोई सैलरी ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो चुकी है जब वो मिलेगी तो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। तो सेक्शन 15 कहता है एडवांस टैक्सेबल है जिस ईयर में वो मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 कहता है फिर वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होंगे। अगर आपको मेरी कंसेप्ट वाली क्लास याद हो तो मैंने वहां पर आपको एक अंधा कानून की स्टोरी भी सुनाई थी। आई होप यू रिमेंबर, यस और नो, याद है नहीं याद? ओके चलिए, एनीवेज मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ लिया मेरे साथ इस क्वेश्चन को। हां जी, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। बेसिक सैलरी 10,000 इंटू 12 एक 20, ये तो वो सैलरी है जो ड्यू भी हुई होगी और आपको मिल भी गई होगी, लेकिन एडवांस सैलरी जो आपको मिल गई अभी बनी नहीं है अगले साल की है, ये सैलरी 20,000 में मिल गई आपको, टोटल ग्रोस सैलरी बनेगी आपको 1,40,000। ग्रोस सैलरी बनेगी आपकी 1,40,000। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी, तो हम यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करते, फिर हम यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं गया कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस क्यों करें। क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है कैलकुलेट ग्रोस सैलरी, हमने बता दिया 1,40,000। हां जी, क्या आंसर आएगा अगर यही सैलरी आपको 21-22 का पूछे प्रीवियस ईयर। सर 21-22 में ये तो आप जानते हैं 12 महीने है, 12 महीनों का ड्यू होगा, लेकिन आपको दो महीनों की सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो 21 अप्रैल मई की सैलरी थी वो आप ले चुके हो, वो दोबारा थोड़ी मिलेगी, तो टैक्सेबल भी दोबारा नहीं होगी। यह बात एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 कहता है, बेसिक सैलरी 10,000 रुपए महीना 10 महीनों की टैक्सेबल होगी ना कि 12 महीनों की, क्योंकि 2 महीनों के आप उस साल लगवा चुके हैं, तो 1,00,000 आएगा। तो बेसिक सैलरी यानी ग्रोस सैलरी आपकी रहेगी 1,00,000। प्लीज टेल मी क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर टू यू और नॉट। यस बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया नहीं हो गया? सो आई होप इट इज क्लियर। यस आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बाद में करवाऊंगा, राइट, क्योंकि काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन दिल्ली बट स्टेइंग इन नोएडा। ठीक है जी, एक्स जो है वो काम दिल्ली में करता है पर रहता नोएडा में। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप जानते हैं ये एचआरए का क्वेश्चन है, हाउस रेंट अलाउंस का, और आपको याद होगा हाउस रेंट अलाउंस में
दिल्ली मुंबई कैलकटा चेन्नई के लिए हम 50% लेते हैं, बाकी सिटीज के लिए हम 40% लेते हैं। याद आया कुछ? हाँ सर याद है। यहां पर मैंने जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूज किया है कि बताओ काम दिल्ली में करता है रहता नोएडा में, तो आप 50% लोगे या 40? जवाब है 40, बिकॉज वहां यह था इफ द हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली चेन्नई मुंबई कोलकाता देन 50% अदरवाइज 40%। भले ही वो काम दिल्ली में कर रहे हैं तो नोएडा में रहना, हाउस दिल्ली में ना, हाउस तो नोएडा में ना, तो 40% लेंगे। ठीक है, बेसिक सैलरी दे रखी है, डियरनेस अलाउंस दे रखा है जिसका 20% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। आप जानते हैं अगर क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी निकालना हो तो हम डीए को फुल्ली टैक्सेबल करते हैं, लेकिन अगर एचआरए के लिए स्पेशल पर्पज के लिए डीए कैलकुलेट होता है तो ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जो सैलरी होता है वो कैलकुलेट होता है। कमीशन दो दे रखे हैं, एक कमीशन दे रखा है 6,000 रुपए महीना, एक कमीशन दे रखा है 1% ऑन सेल, सेल 5,00,000 रुपए। मैं आपको याद दिलवा दूं अगर क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी निकालनी हो तो दोनों कमीशन को हम लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेशल पर्पज के लिए एचआरए के स्पेशल पर्पज के लिए है तो कमीशन में हम वही वाला लेंगे जो परसेंटेज बेस्ड है, यानी कि 1% वाला। इसके अलावा क्वेश्चन में एचआरए कितना मिला आपको यह भी लिखा हुआ है, 3,000 महीना। ही एक्चुअली पेज ₹2,000 पर मंथ एज रेंट फॉर द हाउस इन नोएडा। ये अच्छी बात है, अगर ये लाइन ना होती तो ये क्वेश्चन बेकार हो जाता, बिकॉज अगर वो रेंट ही नहीं पे करता तो जितना एचआरए 3,000 महीना मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था एचआरए अगर अगर रिसीव्ड होता है लेकिन एम्प्लॉई कोई रेंट पे नहीं करता तो एंटायर एचआरए विल बिकम फुल्ली टैक्सेबल। बट इस क्वेश्चन में एम्प्लॉई ने रेंट पे किया है 2,000 रुपए तो क्वेश्चन करने को मिलेगा। कंप्यूट द टैक्सेबल एचआरए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने देखना है कि क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि ग्रोथ सैलरी निकालो, क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूट द टैक्सेबल एचआरए, सिर्फ एचआरए निकालो, कंप्यूट द टैक्सेबल एचआरए, ओनली एचआरए निकालो। ओके आइए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। यस, हम टैक्सेबल एचआरए निकाल रहे हैं मिस्टर एक्स का फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो सबसे पहले दो एचआरए रिसीव्ड कितना है सर, 3,000 महीना है, 12 महीने का 36,000, इसमें से अपने को करना है एग्जेम्प्ट, यही एक्चुअली में अपने को कैलकुलेट करना है, कितना एग्जेम्प्ट होगा यही कैलकुलेट करना है। इसके लिए अपने को वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे और आइए आप बनाना मेरे साथ वर्किंग नोट, बनाओ। तो सबसे पहले क्या एम्प्लॉई इस क्वेश्चन में एचआरए पे कर रहा है? हाँ सर एम्प्लॉई, सॉरी, क्या इस क्वेश्चन में एम्प्लॉई रेंट पे कर रहा है? यस सर एम्प्लॉई रेंट पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉई रेंट पे कर रहे हैं ना तो आप क्या करो, सुनो, अगर एम्प्लॉई रेंट पे कर रहा है तो आप लिखो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। पहला पॉइंट क्या था बोलो फटाफट सर, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, बिल्कुल ठीक है, वो आ गया 36,000, 3,000 रुपए महीना उसको मिल रहा है तो 12 महीने को आ गया 36,000। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, पहला पॉइंट था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 36,000। दूसरा पॉइंट था रेंट पेड, रेंट पेड की बात मैं करूं तो इस क्वेश्चन में 2,000 रुपए महीना है तो 2,000 × 12 24,000 माइनस, सर माइनस था 10% ऑफ सैलरी, लेकिन अब ये 10% ऑफ सैलरी कैसे निकालते हैं इसे हमें अलग से वर्किंग नोट बनाकर कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं जो सेकंड पॉइंट है इसका, इसमें लिखा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मैं आपको बता दूं ये सैलरी जो है ये स्पेशल मीनिंग है, उसका 10% करना है, अभी नहीं पता वो कितना है तो अपने को अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और जिसमें अपने को लिखना पड़ेगा मीनिंग ऑफ सैलरी। कौन सी मीनिंग ऑफ सैलरी, नॉर्मल चैप्टर पर्पस के लिए है या एचआरए के लिए? फॉर एचआरए पर्पस, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआरए पर्पस। तो इसमें क्या क्या लेते हैं बता दो, एक तो बेसिक सैलरी लेते हैं, सही है, बेसिक सैलरी कितनी आती है 1,20,000 आ गई, मैं यहां लिख देता हूं बेसिक सैलरी लेते हैं, एक तो सर वो तो आ गई आपकी 1,20,000, साथ में हम लेते हैं डीए, लेकिन उतना लेते हैं जितना इफ एंटर है, इफ एंटर का मतलब जितना रिटायरमेंट पार्ट है ना उतना लेता था डीए इफ एंटर। तो सर डीए जो है वो है 5,000 महीना, 12 महीनों को हो गया 60,000, नहीं नहीं डीए 5,000 महीना है, उसका 20% जो है क्वेश्चन में लिखा है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो 5,000 का 20% हुआ 1,000, तो 1,000 लेंगे हम और 1,000 12 महीनों का लेंगे तो 12,000 आ जाएगा, 12,000 आएगा। ये 12,000 कैसे है मैं बता देता हूं, आपके पास डीए 5,000 महीना है, उसका 20% रिटायरमेंट बेनिफिट है यानी कि 1,000 रुपए इंटू 12 महीने, ये आ गया 12,000।
उसके बाद हम लेंगे कमीशन। सर बताओ, आप बताओ मुझे, कमीशन जो हम लेंगे वो दोनों ले लेंगे या ओनली परसेंटेज वाला? सिर्फ परसेंटेज वाला। क्वेश्चन में लिखा है सेल जो है 5 लाख की है, सेल 5 लाख की है और परसेंटेज 1% है, तो ये 5000 रुपए आ जाएगा। तो सर कमीशन इसका आ जाएगा 5000 रुपए, टोटल आ गया 1,37,000। इसी 1,37,000 का यहां माइनस करना है आपको 10%, यानी कि 13,700, और माइनस करने के बाद बचा 10,300 रुपए। और तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट है आंसर 54,800 आया, ये कैसे आया बता दूं मैं आपको, 40% ऑफ सैलरी। और यहां पर सैलरी का मतलब यही वाली है 1,37,000, इसी 1,37,000 का आपने किया है 40%, इसी 1,37,000 का आपने किया है 40%, और आंसर आया है 54,800। 40 क्यों किया? क्योंकि उसका स्टे नोएडा में है तो 40% आएगा। तीनों में सबसे कम है 10,300, ये सबसे कम है, तो ऊपर माइनस करेंगे हम 10,300 और टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा 25,700। टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा 25,700। मैं बता दूं, अगर पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो वो ये भी पूछ सकता है टैक्सेबल की जगह एग्जेम्प्ट एचआरए कितना है, तो रटर मत लेना कि यही आंसर होता है हमेशा। वो अगर एग्जेम्प्ट एचआरए पूछ रहा है तो आंसर 10,300 है, अगर वो टैक्सेबल एचआरए पूछ रहा है तो आंसर 25,700 है। तो ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या पूछा है, टैक्सेबल एचआरए या एग्जेम्प्ट एचआरए। आई होप इट इज क्लियर। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव क्वेश्चन इफ मिस्टर एक्स स्टेइंग इन हिज ओन हाउस एंड डज नॉट पे एनी रेंट। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल आंसर कर लिया होगा, अगर वो रेंट पे नहीं करता तो एंटायर एचआरए विल बिकम फुली टैक्सेबल। जो 3,000 रुपए महीना उसे मिलता है ना, वो 12 महीने का 36,000 रुपए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल। चलिए तो अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मिस वीना इज वर्किंग इन, मिस वीना जो है वो काम करती है एकेटीसी लिमिटेड में, एक्स वाई जेड लिमिटेड में, ठीक है। और चेक क्वेश्चन है, चेक वेदर मिस वीना इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉई और नॉट। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन परक्विजिट्स का क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो, परक्विजिट के अंदर एक परक्विजिट होता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लोज 3 वाला, उसमें क्या होता है वो याद है, वो चार चीज होती है, वो स्वीपर गार्डनर वॉचमैन वाला और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाला और उसमें एक चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी वाला और एक आता है उसके अंदर वो मोटर कार वाला। अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि ये बेनिफिट्स एम्प्लॉई को तभी टैक्सेबल है अगर वो काइंड में मिले हैं, सॉरी अगर ये बेनिफिट काइंड में मिले हैं तो एम्प्लॉई को तभी टैक्सेबल है अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए मिस वीना जो है वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है या नहीं है। मैं आपको याद दिलवा दूं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कौन होता है, जो तीन में से कोई एक कंडीशन पूरी कर दे या तीनों में से कोई एक भी बात हो तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई बोल देते हैं हम लोग। अगर कोई बंदा डायरेक्टर है किसी कंपनी का, डायरेक्टर है तो वो हमेशा ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। अगर कोई एम्प्लॉई है लेकिन उसका उस कंपनी में 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या 20% वोटिंग पावर इंटरेस्ट है, इक्विटी शेयर्स में उसका पार्टिसिपेशन है 20%, तो ऐसे एम्प्लॉई को भी हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कहते हैं। हालांकि ये दोनों बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एम्प्लॉई का जो मॉनेटरी सैलरी है, मॉनेटरी सैलरी ओनली मॉनेटरी, जो काइंड में मिलता है वो नहीं, अगर किसी एम्प्लॉई की मॉनेटरी सैलरी जो है, चाहे वो बेसिक सैलरी हो, डीएनएस अलाउंस हो, टैक्सेबल अलाउंस हो, जो टैक्सेबल सैलरी है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बोल रहा हूं मैं, यानी कि डिडक्शन भी माइनस करने के बाद, इनफैक्ट वो जो तीन डिडक्शन है वो तीनों माइनस करने के बाद, अगर किसी एम्प्लॉई की सैलरी, चाहे वो एक एम्प्लॉयर से मिलियो चाहे दो से मिलियो, दोनों से जोड़कर, तीन से मिले तीनों से जोड़कर, 50,000 रुपए को एक्सीड करती है, अगर किसी एम्प्लॉई जो ऊपर वाले एम्प्लॉयज में नहीं आता, ना वो डायरेक्टर है ना उसका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर ऐसे एम्प्लॉई को जो सैलरी मिलती है मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी को एक्सक्लूड करना है, तीनों डिडक्शन माइनस करके देखनी है, फिर चाहे एक एम्प्लॉयर से मिलियो चाहे दो से मिलियो सबका जोड़ना है, अगर वो 50,000 से एक्सीड करती है तो ऐसे एम्प्लॉई को हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कहते हैं। सर देखिए प्रैक्टिकली कितना इररेलेवेंट सा क्वेश्चन है, आज के जमाने में कौन सा ऐसा एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी पूरे साल की 50,000 से भी ज्यादा नहीं है, बताइए। अरे एक पीएन भी 4,000 से ऊपर लेता है, वो भी आज
50,000 को तो क्रॉस कर ही गया है पूरे साल की सैलरी को। तो सर मैं ये बोलूंगा कि कंसेप्ट को ठीक करना चाहिए, इनकम टैक्स को थोड़ा सा लिमिट बढ़ानी चाहिए। बट एनीवेज यहां पर हमारे बात कोई डिस्कशन नहीं है, सिंपल सी बात है 50,000 से ऊपर अगर उसकी सैलरी फॉर द ईयर बनती है इनकम फ्रॉम सैलरी तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है वरना नहीं है। ओके, मिस वीना वेदर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई और नॉट, ये चेक करने। देखो मिस वीना को दो जगह से सैलरी मिलती है, एक एकेटीसी लिमिटेड और एक एक्स वाई जेड लिमिटेड, और फिर टोटल बेसिक सैलरी एकेटीसी लिमिटेड से उससे मिल रही है 2,000 रुपए महीना 12 महीनों की 24,000। एक्स वाई जेड लिमिटेड से 1,000 रुपए महीना 12 महीनों की 12,000, दोनों का टोटल 36,000। टोटल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जो 50,000 रुपए की लिमिट है वो एक एम्प्लॉयर से मिली हो या एक से ज्यादा से मिली हो, सबकी मिलाकर देखनी है। उसके बाद डीए इसे सिर्फ एकेटीसी लिमिटेड से मिल रहा है 500 रुपए महीना 12 महीनों का 6,000, दूसरी जगह से नहीं मिल रहे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इसे एक ही जगह से मिल रहा है 200 रुपए एक महीने का, 12 एक बच्चे का 12 महीनों का, तो ये 24 हो गया। हालांकि यहां एग्जम्पशन मिलती है एक 100 रुपए महीने की, एक बच्चे की, दो बच्चों की मिलती है, लेकिन अब एम्प्लॉय को मिली एक बच्चे के लिए रहा है तो एग्जम्पशन भी एक बच्चे की मिलेगी 12 महीनों की 1200 रुपए, तो ये एग्जम्पशन आ गई 1200 रुपए, टैक्सेबल भी आ गया 1200 रुपए, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस की बात करें तो उसे मिल रहा है 1000 रुपए महीना यानी कि 12 महीनों का 12,000, लेकिन एग्जम्पशन मिल जाएगी जितने उसने स्पेंड किए यानी कि 8,000 रुपए, 4,000 रुपए टैक्सेबल। हाँ, यहां पर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड लिमिटेड से उसे मिल रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन जो कि 2500 रुपए है, वो हमें नहीं लेना। हालांकि जब हम क्वेश्चन सैलरी का नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं तो हम लेते हैं, लेकिन यहां पे नहीं लेना क्योंकि यहां पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं नॉर्मल, हम ढूंढ रहे हैं मिस वीना जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है भी या नहीं है, तो यहां पर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट नहीं लेने होते, तो हमने छोड़ दिया। 47,200 ले लिया ग्रोस सैलरी 47,200। सर हालांकि इसमें से तीन डिडक्शन माइनस होंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। तो मैंने अभी जो क्वेश्चन किया ना, इस क्वेश्चन को आप एक बार इग्नोर स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख दो, इग्नोर स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को इग्नोर किया है, मतलब ऐसे इग्नोर किया, आप चाहो तो माइनस कर लो, माइनस तो करनी चाहिए, फिर मुझे क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि मुझे 50,000 के आसपास फिगर लेनी है। अगर अभी मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करूंगा तो आपको पता ही है 50,000 रुपए की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही माइनस हो जाएगी, फिर तो वैसे ही नेगेटिव में आ जाएगा, छोड़ो। तो आप एक काम करो, तो आप यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन को इग्नोर करके पढ़ लो, पेपर में आएगा तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देना। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस है नहीं, एक प्रोफेशनल टैक्स दिया 1500 वो माइनस कर देंगे, तो आंसर आ गया 45,700 इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी 50,000 से एक्सीड नहीं कर रही, देयरफॉर मिस वीना इज ए नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, मिस वीना को नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई माना जाएगा। और अब अगर इसे परक्विजिट नंबर 3 वाले मिलते हैं 17(2) क्लोज 3 वाले, तो वो सारे परक्विजिट इसके लिए टैक्स फ्री रहेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी बोलो, शुरू करें क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है वेयर देयर इज अ चेंज इन टू फैक्टर्स एग्जांपल सैलरी एंड रेंट पेड। सर ये क्वेश्चन हाउस रेंट अलाउंसेस का है, आपको याद होगा हाउस रेंट अलाउंस का हमने जब अपनी क्लासेस की थी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया था जिसमें बार बार कुछ चेंज हो रहा था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़े वाला नहीं है, इसमें बस दो ही बार चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा बार नहीं हुआ। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद ABCL लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ, ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ डियरनेस अलाउंस ऑफ 30% बेसिक सैलरी एंड 70% ऑफ द डियरनेस अलाउंस ऑफ ₹70% ऑफ द डियरनेस अलाउंस इज इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। The company gives him HRA of ₹20,000 per month. सर मैं बता दूं, एम्प्लॉई जो है उसको 40,000 रुपए महीने की बेसिक सैलरी मिलती है, 30% बेसिक सैलरी का उसे डीए मिलता है, और जितना डीए मिलता है उसका 70% रिटायरमेंट पर्पज के लिए इंक्लूडेड है, ओके, और उसे HRA मिलता है 20,000 पर मंथ। 1 जनवरी 2020 से उसकी बेसिक सैलरी में 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया,
तो जरूर उसकी सैलरी 40,000 थी, जरूर 45,000 हो गई होगी। 19-20 प्रीवियस ईयर में उसे एरियर्स ऑफ सैलरी भी मिली है 40,000 रुपए, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा है। 1 नवंबर से उसने अकोमोडेशन दिल्ली में रेंट पे ले लिया है और वो 15,000 रुपए पर मंथ एज रेंट पे कर रहा है फॉर द अकोमोडेशन। कंप्यूट ग्रोस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सर पहले आप कुछ बातों को समझो। पहला पॉइंट ये है कि अपने को जो कैलकुलेट करना है वो ग्रोस सैलरी निकालना है, ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करना है, जबकि हम जानते हैं इसका मेन पोर्शन एचआरए है। तो कैलकुलेट तो हम ग्रोस सैलरी करेंगे लेकिन एचआरए पर हमारा फोकस रहेगा, एचआरए ही इसके अंदर मेन रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप इस क्वेश्चन में यह नोटिस करो कि चेंजेस कब कब हुए हैं, चेंजेस कब कब हुए हैं। तो सर पहला चेंज है, ध्यान से देखेंगे, जनवरी में उसकी सैलरी बढ़ी है। तो मैं यहां लिखता हूं जनवरी ऑनवर्ड्स उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट है, सैलरी का इंक्रीमेंट। और मुझे नहीं लगता जनवरी के बाद कोई चेंजेस है, मतलब हाँ उससे पहले चेंजेस है लेकिन जनवरी के बाद कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको एक पोर्शन तो जनवरी से मार्च का निकालना पड़ेगा एचआरए का। आपको याद होगा एचआरए में अगर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो जितने टाइम में चेंज होते हैं उतने टाइम को हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। यहां लिखा है 31 अक्टूबर तक वो अपने पेरेंट्स के साथ था, यानी कि हम कह सकते हैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर एंड तक, 31 अक्टूबर तक वो अपने पेरेंट्स के साथ था, तो इसका आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। नवंबर और दिसंबर में उसने रेंट पे ले लिया, इसका अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब अपने को एचआरए निकालते समय तीन अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अप्रैल से अक्टूबर की अलग कैलकुलेशन, नवंबर से दिसंबर की अलग कैलकुलेशन और जनवरी से मार्च की अलग कैलकुलेशन, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना है, जो डीए है डीए वो 30% ऑफ बेसिक सैलरी का है, फिर ये जो अमाउंट आएगा ना इस अमाउंट का 70% जो है ना वो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है। मतलब वो जो इफ एंटर हम लेते हैं डीए, यानी कि जब एचआरए निकालते समय हम स्पेशल पर्पज ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी में डीए को जोड़ते हैं, तो वो इसका 70% जो आएगा वो जोड़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ओके चलिए सर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और कैसे करेंगे आइए मेरे साथ। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। दो कॉलम सर आपने क्यों लिए हैं, क्योंकि एक मैंने डिटेल कॉलम के लिए लिया है और एक मैंने फाइनल कॉलम के लिए लिया है। आप इसे डिटेल मान लो ना, डिटेल, दिस इज अ डिटेल कॉलम, डिटेल्स कॉलम। बेसिक सैलरी, सर बेसिक सैलरी उसकी 40,000 रुपए महीना है, लेकिन हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, हम जानते हैं 1 जनवरी से उसकी सैलरी 5,000 रुपए बढ़ गई है, 45,000 रुपए महीना हो गई है। तो अप्रैल टू दिसंबर 9 महीने हो गए, तो 40,000 इंटू 9 रहेगा। जनवरी टू मार्च 45,000 इंटू 3 रहेगा और टोटल साल की सैलरी उसकी हो जाएगी 4,95,000, 4,95,000। तो सर ये उसकी सैलरी रही है अप्रैल टू दिसंबर और ये उसकी सैलरी रही है जैन टू मार्च। अभी मैं ग्रोस सैलरी निकाल रहा हूं, जब मुझे एचआरए की नीड बढ़ेगी तब मैं करूंगा। फिर लिखे डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस सिंपल है, जितनी भी बेसिक सैलरी है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 4,95,000 है तो इसका 30% डियरनेस अलाउंस है। ये फुली टैक्सेबल होता है, यानी कि जो भी 30% आएगा वो फुली टैक्सेबल है। सर आप तो कह रहे 70% लेंगे उसका आगे, सर वो हम तब लेंगे जब हम एचआरए के लिए सैलरी निकालेंगे, अभी तो हम ग्रोस सैलरी निकाल रहे हैं, एचआरए के लिए थोड़ी ना निकाल रहे हैं, पूरे सैलरी चैप्टर के लिए सैलरी निकाल रहे हैं। जब एचआरए के लिए स्पेशल सैलरी निकालेंगे तब फिर 70% वाली बात करेंगे। ओके तो 4,95,000 का 30% सीधा आ गया 1,48,500। हाउस रेंट अलाउंस उसे 20,000 महीना मिला है। पूरे क्वेश्चन में मुझे ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि एचआरए इंक्रीज हुआ हो, तो मैं 20,000 इंटू 12 2,40,000 माइनस एग्जेम्प्ट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको एक बार छोड़ देते हैं, हम वर्किंग नोट बनाएंगे अलग से कैलकुलेट करेंगे। एक एम्प्लॉई को एरियर्स ऑफ सैलरी मिली है,
40,000 रुपए। आप सब जानते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस, जब आपको एरियर्स ऑफ सैलरी मिलती है वो टैक्स हो जाती है, हमने भी 40,000 रुपए टैक्स कर दिया। ये आपका ग्रोस सैलरी आ गया, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोलना चाहिए इसको, यहां पे थोड़ी गड़बड़ है, इसको इनकम फ्रॉम सैलरी की जगह आप इसका नाम रख लो ग्रोस सैलरी। अब आ गया आपका वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हमें सिर्फ एचआरए का एग्जम्पशन पोर्शन निकालना है, मतलब बेसिकली मुझे ये चाहिए यहां कितना अमाउंट आएगा, ये मेरे को चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और ये बताइए क्या एम्प्लॉय रेंट पे करता है। हाँ सर एम्प्लॉय रेंट पे करता है, लेकिन वो रेंट पे नवंबर से करता है। तो एक काम करते हैं, पहला हम निकालते हैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक। इस टाइम पीरियड में क्या था सर? इस टाइम पीरियड में एम्प्लॉई अपने खुद के घर में रहता है, या ये बोलिए कि वो रेंट पे नहीं करता है। रेंट पे नहीं करता तो नो एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल, एज ही इज नॉट पेइंग एनी रेंट, नो एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल, उसे कोई एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, एग्जम्पशन जीरो है। नवंबर और दिसंबर दो महीने की बात करें, सर दो महीने की बात करोगे तो आपको सारी कैलकुलेशन 2 मंथ के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं 2 महीने के लिए कैलकुलेशन करूंगा। सबसे पहले लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, आपको याद होगा इन 2 महीनों में क्या वो रेंट पे कर रहा है? हाँ कर रहा है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, पहला पॉइंट जितना एचआरए मिला, एचआरए 20,000 रुपए है तो इन 2 महीनों में भी 20,000 महीना मिला होगा, तो 2 महीने का 40,000। दूसरा पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड मुझे मालूम है, क्वेश्चन में दे रखा है 15,000 रुपए महीना है, तो 15 × 2 = 30 माइनस, अब वो 10% ऑफ सैलरी कितना है वो मेरे को क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10% ऑफ सैलरी कितना बता दूं आपको, मीनिंग ऑफ सैलरी, एमओएस का मतलब होता है मीनिंग ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी लेते हैं, एक तो लेते हैं बेसिक सैलरी, जब हम 10% ऑफ सैलरी निकालते हैं तो एक तो हम लेते हैं बेसिक सैलरी। आई होप इट इज क्लियर। यस, तो सर मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मेरे पास कैलकुलेटर के नाम पे यही है फोन। तो सैलरी उसकी 40,000 महीना थी, ये नवंबर और दिसंबर वाले महीने हैं, इन 2 महीनों में भी उसकी सैलरी 40,000 महीना ही थी, क्योंकि जो उसकी सैलरी 45 हुई है वो जनवरी से हुई है, तो इन 2 महीनों के लिए हम 40 वाले ही देखेंगे। तो 40,000 महीना है, 2 महीनों के हो गए 80,000 रुपए। डीए की बात करें तो सैलरी का 30%, अगर 80,000 सैलरी है तो डीए 80,000 का 30% हो गया 24,000, लेकिन अब हम 24 नहीं लेंगे क्योंकि अब हम लेंगे इस 24 का 70%। जब मैं इस 24 का 70% करता हूं तो आंसर आता है 16,800। मैं बता दूं ये 16,800 कैसे आया, ये 16,800 कैसे आया सर, डीए जो आपने लिया है, डीए वो आपने लिया है 80,000 का 30%, जो कि आपका आ गया 24,000, फिर आपने इस 24,000 का 70% को इफ एंटर माना है, जो कि आपका 16,800 आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अब मुझे ये हटाना पड़ेगा बिकॉज सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। टोटल आ गया 96,800, इसका 10% माइनस करेंगे 9,680, आंसर आएगा 20,320। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट वो दिल्ली में घर लेता है, तो 96,800 का आधा 48,400, सबसे कम इसमें 20,320 है, तो एग्जम्पशन रहेगी 20,320। ये एग्जम्पशन नवंबर और दिसंबर की है, हालांकि अप्रैल से अक्टूबर तक एग्जम्पशन मिलनी ही नहीं है, नवंबर और दिसंबर की ये है, जनवरी फरवरी मार्च की मिल जाए फिर टोटल एग्जम्पशन जो है वो माइनस कर दूंगा मैं। जैन टू मार्च में चेंज क्या है, उसकी सैलरी बढ़ी है और वो सैलरी 40,000 की जगह 45,000 हुई है, तो क्वेश्चन में क्या बदलाव आएगा? मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, लिमिट नंबर 1 में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि एचआरए 20,000 में महीना मिलता है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, हम कैलकुलेट करेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला पॉइंट एचआरए कितना मिला, इन 3 महीनों में भी एचआरए 20,000 में महीने के हिसाब से मिला है, 60,000 आ गया। नंबर 2 रेंट पेड की बात करें तो वही है 15,000, 45,000 आ गया माइनस। अब जो 10% ऑफ सैलरी है इसका अलग निकालना है, ठीक है निकाल लेते हैं मिनिंग ऑफ सैलरी। सबसे पहले बेसिक सैलरी, मैं आपको बता दूं अब जो बेसिक सैलरी है वो अब 40,000 नहीं 45,000 रुपए के हिसाब से लेंगे, 45 × 3 यानी कि 1,35,000 प्लस जो डीए है वो इसी 1,35,000 का 30% एंड देन उसका 70%, वो आएगा 28,350। कैलकुलेट कर लेना प्लीज,
135,000 का 30% एंड देन उसका 70%, 135,000 का 30% एंड देन जो भी आंसर आएगा आपका, जो भी आंसर आपका आएगा उसका 70% जो आएगा ना वो यही अमाउंट होगा। ओके उसके बाद क्या करना सर? सर उसके बाद आप बताओ क्या करना है, उसके बाद इनका टोटल कर दो और ये आपका आ गया 163,350, इसका 10% 16,335, 28,665 आ गया। तीसरा अमाउंट इसका आधा 81, इस 1,63,350 का हाफ 81,675, सबसे कम ये है। तो सर टोटल एग्जम्पशन कितनी हुई? एक तो जीरो एग्जम्पशन टोटल है, एक ये वाली एग्जम्पशन है, एक ये वाली है, तीनों का टोटल करते हैं तो एग्जम्प्ट अमाउंट बनता है 48,985। ये यहां से माइनस कर देंगे और टैक्सेबल अमाउंट आएगा 1,91,015 रुपीज और टोटल करेंगे तो ये आपकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी, ये आपकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी 8,74,515। प्लीज टेल मी द कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर, प्लीज बताइए आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा, यस और नो, बोलो बोलो, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड टैक्सेबल अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इन द फॉलोइंग केसेस। हालांकि ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको तब भी करवाए थे जब मैं अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करवा रहा था, कंसेप्ट करवा रहा था, लेकिन मैं इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसीव्ड ₹300 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन ईच। अगर आप देखेंगे वहां वर्ड लिखा है ईच, ईच का मतलब है ₹300 तीन बच्चों के लिए नहीं मिले, ₹300 तीनों बच्चों को, 300 पहले बच्चे को, 300 दूसरे बच्चे को, 300 तीसरे बच्चे को। 300 ईच इज गिवन टू 3 चिल्ड्रन, 300 ईच, ₹300 हर बच्चे को दिए गए हैं तीन बच्चों को। तो सबसे पहली बात, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैसे आएगा देखना सर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 में मिले, तीन बच्चों को मिले, 12 महीनों का मिला है, टोटल आ गया ₹10,800, टोटल आ गया 10,800। अगर मैं एग्जम्पशन माइनस करूं तो आप जानते हैं एग्जम्पशन होती है लिमिट, दैट इज ₹100 पर मंथ और एक्चुअल रिसीव्ड विच एवर इज लेस। आप देख रहे हैं जो पर चाइल्ड एम्प्लॉय को मिला है बच्चे के लिए वो ₹300 मिला है, पर चाइल्ड ₹300 मिला है और लिमिट है ₹100, तो विच एवर इज लेस, ₹300 कम है या ₹100 कम है, ₹100 कम है तो ₹100 की एग्जम्पशन मिलेगी। हालांकि एम्प्लॉय को तीन बच्चों के लिए मिला है पर मैक्सिमम लिमिट 2 बच्चों के लिए है, 2 बच्चों के लिए है, तो 2 के लिए माइनस होगा इंटू 12, ₹2,400 आएगा और टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 8,400, टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 8,400। आई होप इट इज क्लियर। 12 का ए पॉइंट क्लियर हो गया, 12 का बी पॉइंट करेंगे हम लोग। रिसीव्ड ₹300 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में 3 चिल्ड्रन के साथ ईच वर्ड नहीं लिखा हुआ, रिसीव्ड ₹300 फॉर 3 चिल्ड्रन लिखा है, ईच नहीं लिखा। इसका मतलब ₹300 तीन बच्चों को मिले हैं लेकिन तीनों को 300 300 300 नहीं मिला, ये ₹3 तीनों को मिले, ₹300 तीनों को मिले, यानी कि 100 100 100 मिले, तो आंसर आएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 तीन बच्चों को 12 महीनों का 3600। एग्जम्पशन मैंने आपको बताया था जितना पर चाइल्ड मिला या ₹100, पर चाइल्ड कितना मिला या ₹100, विच एवर इज लेस, पर चाइल्ड ₹100 मिले हैं, लिमिट भी ₹100 है तो 100 ही माइनस हो जाएगा, इंटू मिले तीन बच्चों के लिए है बट लिमिट सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए मैक्सिमम है, तो 2 × 12 = 2400, टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज ₹1200, ₹1200। तीसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार है, रिसीव्ड ₹240 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, तीन बच्चों के लिए ₹240 मिले हैं, ईच वर्ड नहीं है या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ₹240 हर बच्चे को मिले हैं, तो ये माना जाएगा ये ₹240 तीनों बच्चों को मिले हैं, तो तीनों में बटेंगे 80 80 80 आ जाएगा, तो यहां पर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आएगा 80 × 3, ये ₹240 आपको मिले हैं 12 महीनों का 2880। सर अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जम्पशन की बात करोगे तो पर चाइल्ड जो मिला है वो ₹80 है, पर चाइल्ड जो मिला है वो ₹80 है, जबकि आप जानते हैं लिमिट जो है वो ₹100 है,
इन दोनों में से जो कम होगा ना वो माइनस होगा, तो 80 रुपीज जो रिसीव हुआ और लिमिट 100 रुपीज पर चाइल्ड, विच एवर इज लेस 80, तो 80 इंटू तीन बच्चों के लिए मिला है, एग्जेम्पशन की लिमिट दो बच्चों के लिए है, इंटू 12 महीने 1920, टैक्सेबल अमाउंट इज 960, टैक्सेबल अमाउंट इज 960। और मैं डी पॉइंट पे चल रहा हूं, रिसीव्ड फॉर वन चाइल्ड, वन चाइल्ड की जगह ना आप इसे लिखो फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे के लिए आपको मिले 100 रुपए महीना, दूसरे बच्चे के लिए मिले आपको 80 रुपीज पर मंथ, एंड थर्ड चाइल्ड के लिए आपको मिले 120 पर मंथ। आप अपने जाओगे पास पीडीएफ है जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनमें ठीक कर लो आप, फर्स्ट चाइल्ड वन वन चाइल्ड की जगह फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड लिखो सेकंड पे, सेकंड चाइल्ड, फिर थर्ड चाइल्ड। सर क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी टैक्स प्लानिंग भी टेस्ट करेगा। क्वेश्चन जानता है कि आपको ये बात पता है कि एग्जेम्पशन दो बच्चों के लिए मिलती है, क्वेश्चन ये देखना चाहता है कि क्या आपको ये पता है कि वो दो बच्चे कौन से दो बच्चों के लिए मिलती है। आप बोलोगे सर इतने क्वेश्चन किए ऐसी बात जानने की नौबत नहीं आई कि कौन से दो बच्चों के लिए, बात उसमें रीजन ये था कि हर बच्चे को बराबर मिल रहे थे, तो आप किसी भी दो बच्चों के लिए माइनस करो बात एक ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में तीनों बच्चों को अलग अलग अमाउंट मिल रहा है, आपको दो बच्चों का रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिलेगी, क्वेश्चन ये है कौन से दो बच्चों के रिस्पेक्ट में मिलेगी ये आप ढूंढना है। तो यहां क्वेश्चन जो है लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, इट नॉट चेक योर ओनली चेक योर नॉलेज बट ऑल्सो चेक योर टैक्स प्लानिंग, कितनी टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे आप। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पहले बच्चे को मिलता है 100 रुपए 12 महीनों का, 100 इंटू 1 इंटू 12 कर लो, एक ही बात है एक बच्चे का है। दूसरे बच्चे को मिलता है 80 रुपीज, तीसरे बच्चे को मिलता है 120, एग्जेम्पशन मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन एग्जेम्पशन किन दो बच्चों के लिए मिलेगी? 100 रुपए माफ है सर, लॉ ने लिखा है दो बच्चों के लिए मिलेगी, ये नहीं लिखा फर्स्ट टू चाइल्ड के लिए मिलेगी। आप किन्हीं भी दो बच्चों के लिए एग्जेम्पशन ले सकते हैं, समझदारी इसी में है, एक तो आप पहले बच्चे के लिए ले लो, एक आप थर्ड बच्चे के लिए ले लो, क्योंकि अगर आप सेकेंड बच्चे के लिए एग्जेम्पशन लोगे तो आप मैक्सिमम बेनिफिट 80 रुपीज का ही ले पाओगे, पूरे 100 का बेनिफिट ले नहीं पाओगे। पहले में लोगे पूरे 100 का बेनिफिट मिलेगा, तीसरे में तो 100 का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, आपको तो 120 मिले हैं, चलो 100 का तो बेनिफिट मिल ही जाएगा, लेकिन सेकंड वाले चाइल्ड के केस में आपको पूरे 100 का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए एडवाइजेबल यही है कि आप पहले और तीसरे बच्चे के लिए एग्जेम्पशन क्लेम करें, 100 इंटू 12 प्लस निल प्लस 100 इंटू 12 2400 रुपए, टैक्सेबल आंसर आएगा 1200। अगर आप सेकंड बच्चे के लिए एग्जेम्पशन क्लेम करते तो आप जानते हैं 80 रुपीज अगर आपको मिले हैं तो आपको भी माइनस 80 इंटू 12 ही करना पड़ता, फिर जवाब 2400 माइनस नहीं होता शायद कम होता और टैक्सेबल थोड़ा ज्यादा आता। प्लीज टेल मी क्वेश्चन नंबर 12 इज क्लियर और नॉट क्लियर? हां जी बताइए क्वेश्चन नंबर 12 इज क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 12। चलिए लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ होस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस एक्चुअल रिसीव्ड 400 पर मंथ फॉर वन चाइल्ड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 400 रुपए एक बच्चे का मिला है 12 महीने का 4800, एग्जम्पशन 300 रुपए पर मंथ है, आप जानते हैं जो लिमिट है वो 300 है, मिला 400 है तो एग्जम्पशन विच एवरेज लेस आएगा यानी कि 300 रुपए। एक बच्चे का मिला है तो एक का ही एग्जम्पशन मिलेगा, दो का मिला होता तो दो का एग्जम्पशन मिलता, तीन का होता तो भी दो का ही एग्जम्पशन मिलता, तो एक बच्चे का एग्जम्पशन मिलेगा 12 महीनों का 3600 रुपए 1200 रुपए टैक्सेबल। देन क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असेसमेंट ईयर 1920 में क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है उसके कंटेक्स्ट में अमेंडमेंट थी, हाँ अभी भी अमेंडमेंट है वो नो डाउट, तो हम तो असेसमेंट ईयर 2021 पढ़ रहे हैं, हालांकि 1920 में ही इस पे अमेंडमेंट आ गई थी, तो वो क्वेश्चन देख लो क्या था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिला है 1100 रुपए महीना, एक्चुअली स्पेंड आपने किया है 700 ऑन ट्रांसपोर्ट, 700 पर मंथ लिख लो, एक्चुअली स्पेंड रुपीज 700 पर मंथ ऑन ट्रांसपोर्ट। सर पहले मैं आपको बता दूं जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो नोटिफाइड अलाउंस की कैटेगरी में आता है, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो नोटिफाइड अलाउंस की कैटेगरी में आता है, वहां पर एक्चुअल स्पेंड रेलेवेंट ही नहीं होता। इफ यू रिमेंबर एक्चुअल स्पेंड आपने कितना किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पता भी है तो आप उसे क्रॉस कर दो ताकि आपको ना दिखे।
इनफैक्ट मैं बोलूंगा ये जो ब्रैकेट में लिखा ना एक्चुअली स्पेंड रुपीज 700 ऑन ट्रांसपोर्ट, इसे तो काट ही देना चाहिए, ये बेकार है, ये हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमें क्या लेना एक्चुअल स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट कितना है जब ये बात देखनी ही नहीं होती। तो फिर क्या देखना होता है, कितना मिला ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 1100 मिला, बात खत्म। क्वेश्चन है एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। एग्जम्पशन के कंटेक्स्ट में बता दूं आपको, जब अमेंडमेंट नहीं हुई थी उससे पहले, अमेंडमेंट नहीं हुई थी उससे पहले 1600 रुपए एग्जेम्प्ट हुआ करता था, 1600 रुपए, और हैंडीकैप्ड के लिए 3200 रुपए का एग्जम्पशन था। लेकिन जो अमेंडमेंट आई है वो बड़ी जबरदस्त अमेंडमेंट है, उसमें यह लिखा है कि अगर इंप्लॉई हैंडीकैप्ड है तो अभी भी 3200 रुपए का एग्जम्पशन रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, 3200 रुपए पर मंथ एग्जम्पशन है। लेकिन अगर इंप्लॉई हैंडीकैप्ड नहीं है, अदर देन हैंडीकैप्ड है, नॉर्मल इंप्लॉई है जो उसकी हैंडीकैप्डनेस नहीं है, तो उसे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फुल्ली टैक्सेबल। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं कि इंप्लॉई हैंडीकैप्ड है या नहीं है, तो मैं क्यों मानूं हैंडीकैप्ड है, नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में एग्जम्पशन रहेगी निल। तो अब मैं आपको बता दूं सिंपली, अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के कंटेक्स्ट में एग्जम्पशन पूछेंगे तो मैं सिंपल बताता हूं, अगर इंप्लॉई हैंडीकैप्ड है, अगर इंप्लॉई हैंडीकैप्ड है तो रुपीज 3200 पर मंथ इज द लिमिट, ये एग्जम्पशन रहेगी। लिमिट मैंने इसलिए बोला है कि अगर इंप्लॉई को मिला ही कम है फिर तो कम ही एग्जम्प्ट होगा ना, 3200 कहां से हो जाएगा। लेकिन अगर इंप्लॉई अदर देन हैंडीकैप्ड है तो एग्जम्पशन जो रहेगी वो निल रहेगी, कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी, फुल्ली टैक्सेबल, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है। देखिए पूरा 13200 रुपए फुल टैक्सेबल है, 13200 रुपए फुल टैक्सेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज ओवर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हालांकि अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन था ये, इस साल की अमेंडमेंट नहीं थी, पिछले साल की अमेंडमेंट थी, लेकिन अपने लिए तो एप्लीकेबल है ही है। क्वेश्चन नंबर 15, यस गाइस कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, सिर्फ सॉल्व करना है। मिस्टर एक्स इज इन रिसीप्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। एक छोटा सा टेस्ट है आपका कि कौन से अलाउंस कितने एग्जेम्प्ट होते हैं, आपको बताना है, दैट्स इट। नंबर वन, कन्वीनियंस अलाउंस, 800 रुपए महीना मिलता है और वो 6000 रुपए खर्च करता है। जवाब सिंपल है, जितना मिलता है वो एक्चुअल रिसीव्ड है, जो वो खर्च करेगा वो माइनस होगा। तो कन्वीनियंस अलाउंस 800 × 12 = 9600, वो स्पेंड करता है 6000, तो 6000 पूरे माइनस हो जाएंगे, टैक्सेबल आ जाएगा 3600 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 2000 रुपए महीना फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, वही लिखा हुआ है। वो 1400 रुपए पर मंथ खर्च करता है ड्यूरिंग द ईयर। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में हमें कितना खर्च किया नहीं देखना होता, जितना मिला होता है वही देखना होता है। और एग्जम्पशन जो है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉई को हैंडीकैप नहीं लिखा गया, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन निल होगी। 2000 रुपए महीना मिला उसको 12 महीने का, 24000, एग्जम्पशन निल रहेगी, 24000 पूरा टैक्सेबल है। तीसरा अलाउंस है यूनिफॉर्म अलाउंस, और वो 5000 रुपए खर्च करता है उसको परचेज एंड मेंटेन करने पर, वो माइनस हो जाएंगे, जितने यूनिफॉर्म मिलेंगे मिला उतना टैक्सेबल, माइनस एग्जम्पशन जो वो खर्च करेगा, माइनस एग्जम्प्ट 5000 टैक्सेबल आ गया। एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी एम्प्लॉई को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो उसे 100 रुपए का लिमिट होता है, 100 रुपए तक की एग्जम्पशन मिलती है, और अगर किसी एम्प्लॉई को हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिलता है तो उसे 300 रुपए की होती है। पर अगर क्वेश्चन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कंबाइंड होकर आ जाए तो एग्जम्पशन को भी कंबाइंड करना है आपको, और 100 + 300 = 400 रुपए का एग्जम्पशन देना है। यही दिखाया मैंने क्वेश्चन के अंदर, 400 रुपए एग्जम्प्ट किए, हालांकि मिला 3 बच्चों के लिए, लेकिन अपन लोग एग्जम्पशन सिर्फ 2 बच्चों का ले देगा। तो ग्रोस सैलरी आपके सामने 37000, आई होप इट इज क्लियर। यस बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, यस चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। मिस्टर एक्स वर्किंग एज गवर्नमेंट इंप्लॉई, तो ध्यान रखना एक्स गवर्नमेंट इंप्लॉई है। सर गवर्नमेंट इंप्लॉई से क्या होता है? अरे आपने सैलरी पूरा पढ़ लिया है, आपको अच्छे से पता है गवर्नमेंट इंप्लॉई को कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलती है, जैसे कम्यूटेड पेंशन एग्जम्पशन गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलती है, जैसे ग्रेचुटी का बड़ा एग्जम्पशन फुल एग्जम्पशन गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलती है, जैसे लीव इनकैशमेंट का एग्जम्पशन
जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है वो गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलती है, वो गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलती है। आपको पता ना गवर्नमेंट इंप्लॉय को बड़े सारे बेनिफिट्स है। अगर आपको पता हो रेंट फ्री अकोमोडेशन हो तो वहां पर भी गवर्नमेंट इंप्लॉय को स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वहां पर जो उसकी वैल्यू है वो एज पर गवर्नमेंट रूल लिया जाता है लाइसेंस फीस, जबकि प्राइवेट इंप्लॉय के लिए अलग सिस्टम होता है कैलकुलेट करने का। तो अगर पेपर में गवर्नमेंट इंप्लॉय लिखा हो तो यू हैव टू बी फोकस कि गवर्नमेंट इंप्लॉय लिखा है, जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन बातों का ध्यान रखा हुआ आपने, और उसी प्रकार से फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। यहां लिखा है गवर्नमेंट इंप्लॉय को बेसिक सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी के कंटेक्स्ट में कोई बेनिफिट नहीं होता गवर्नमेंट इंप्लॉय को, वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो सबको बराबर टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 200 रुपए, देखो बेनिफिट आ गया 200 रुपए। तो आज ये क्वेश्चन करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस। अच्छा क्वेश्चन में ग्रोस सैलरी नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कंप्यूट टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस। सबसे पहले आपको दिखा दूं बेसिक सैलरी उसको मिलती है 10,000 × 12, 1,20,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस 200 रुपए × 12 महीने का 2,400 रुपए, 1,22,400 ये हो गई इसकी ग्रोस सैलरी। अगर मैं इसको बोलूं तो यहां पर आ गया ग्रोस सैलरी। सर आप जानते हैं ग्रोस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिडक्शन को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का टारगेट ग्रोस सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना नहीं है, वो सिर्फ टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस निकालना पूछ रहा है। दैट्स इट। एंटरटेनमेंट अलाउंस 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2,400 मिल जाएगा। कैसे मिला बताऊं आपको? सर एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट होता है उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। सर यहां पे पहला पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट है, फिर तीसरा। पहला पॉइंट था जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 2,400 मिला, दूसरा था 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपके क्वेश्चन में जो बेसिक सैलरी है वो 1,20,000 है, 1,20,000 का अगर मैं 20% करूं तो ये आपका 24,000 रुपए आ जाएगा। तीसरा अमाउंट था 5,000 रुपए। सर तीनों में सबसे कम 2,400 रुपए है तो 2,400 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा एंड वट एवर द बैलेंस लेफ्ट दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम सैलरी। हालांकि हम लोगों ने इग्नोर किया है स्टैंडर्ड डिडक्शन को, हमने इग्नोर किया स्टैंडर्ड। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंसीडर करेंगे, जो कि आप जानते हैं इस असेसमेंट ईयर के लिए जो आप पढ़ रहे हैं 50,000 रुपए हो गई है, लास्ट ईयर ये 40,000 थी। पॉइंट नंबर बी की बात करें, वट विल बी आंसर इफ रिसीव्ड ₹600 पर मंथ। क्या आंसर आएगा अगर वो 600 रुपए महीना एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव करता है? तो सर बेसिक सैलरी तो वही रहेगी, एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 × 12, 7,200। आपको याद होगा एम्प्लॉई गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले जोड़ा जाता है, जैसे कि मैं जोड़ रहा हूं। वाइल कैलकुलेटिंग द ग्रोस सैलरी एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फर्स्ट एडेड एंड इफ ही इज अ गवर्नमेंट इंप्लॉई देन इट विल बी डिडक्टेड। और मैं क्वेश्चन में डिडक्ट भी कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने ऊपर ही बोल दिया कि वो एक गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो फिर माइनस करेंगे। हालांकि आंसर लिखा है 5,000, लेकिन ये 5,000 कैसे आया मैं आपको करके दिखा सकता हूं। 5,000 करके दिखाता हूं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला पॉइंट आएगा जितना एचआर है उसको मिला, यानी कि 7,200। दूसरा आएगा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी दैट इज, अगर मैं बात करूं तो बेसिक सैलरी अभी 1,20,000 है, 1,20,000 का 20% यानी कि 2,400 रुपए आ गया। तीसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा आपका 5,000, सर 2,400 नहीं 24,000 आ गया, आई एम सॉरी यहां पे 24,000 आ गया। तीसरा पॉइंट आएगा 5,000, तो पहला 7,200, दूसरा 24,000, तीसरा 5,000, सबसे कम है 5,000, 5,000 यहां से माइनस हो जाएगा, 5,000 यहां से माइनस हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। यस, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का, कह रहा क्या आंसर होगा एक्स अगर नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई हो और उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा हो 600 रुपए महीना। सर जवाब बिल्कुल सिंपल है, अगर एक इंप्लॉई नॉन गवर्नमेंट है तो माइनस में जो हम एंटरटेनमेंट अलाउंस करते हैं उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन क्या ऊपर एड होगा? होगा।
एम्प्लॉई गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, एंटरटेनमेंट अलाउंस को हमेशा ऐड किया जाएगा। एम्प्लॉई गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, एंटरटेनमेंट अलाउंस को हमेशा ऐड किया जाएगा, लेकिन माइनस तभी किया जाएगा जब एम्प्लॉई गवर्नमेंट इंप्लॉई होगा। देखिए आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। बेसिक सैलरी 10 × 12 = 120, एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 × 12 = 7200, यानी कि 127200। एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस करने का टाइम आएगा तो आंसर आएगा नील, नहीं होगा माइनस। माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा माइनस? क्योंकि एम्प्लॉई गवर्नमेंट नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 1,27,200। हां जी, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हमें चलना चाहिए। तो चले क्वेश्चन नंबर 17 पे, बोलो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट, मिस्टर एक्स वर्किंग विद एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो पहले आप ध्यान रखो प्राइवेट लिमिटेड है। बेसिक सैलरी 10,000 महीना, एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 महीना, मिस्टर एक्स पेड प्रोफेशनल टैक्स ₹2,000। सर देखो इस क्वेश्चन में ना, आप अगर क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 17 के कई पार्ट है, ए बी सी डी ई एफ, तो हम सारे पार्ट करेंगे ए बी सी डी ई एफ। पहला पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं आपको बता दूं मैं इस क्वेश्चन में क्या निकाल रहा हूं, इनकम फ्रॉम सैलरी। सर इनकम फ्रॉम सैलरी निकालोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ग्रोस सैलरी में से हम 3 डिडक्शन माइनस करते हैं तब जाकर इनकम फ्रॉम सैलरी आता है। तो इस क्वेश्चन में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंसीडर करेंगे। सर कितनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन? सर आपको याद होगा ये तो अपने असेसमेंट ईयर जो है 2021, इसी की अमेंडमेंट है, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपका होगा ग्रोस सैलरी और ₹50,000 विच एवर इज लेस। मतलब बेसिकली 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। हाँ अब अगर ग्रोस सैलरी 50,000 से कम हो फिर तो जितनी ग्रोस सैलरी है उतने की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। ओके एनीवेज लेट अस स्टार्ट। बेसिक सैलरी 10,000 महीना, 12 महीनों की होगी 1,20,000, ए पार्ट कर रहा हूं। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वेश्चन में है 500 रुपए महीना, 12 महीनों का 6,000। मैं आपको बता दूं ए पार्ट में एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलने वाली क्योंकि ये गवर्नमेंट इंप्लॉई नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड का इंप्लॉई है। टोटल आ गया 1,26,000। सबसे पहले हम डिडक्शन माइनस करेंगे सेक्शन 16 की डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) के सेक्शन में आती है, अंडर सेक्शन 16(1)(a) आपको याद होगा, 50,000 रुपए। एंड देन माइनस करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस, निल है। प्रोफेशनल टैक्स इस क्वेश्चन में पे किए गए हैं 2,000, वो माइनस हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। प्लीज टेल मी द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है और एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलनी नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट इंप्लॉई है, और प्रोफेशनल टैक्स की मिलेगी क्योंकि वो पेड है। बी पॉइंट, क्या आंसर होगा अगर प्रोफेशनल टैक्स 2,000 की जगह 8,000 रुपए पे किए गए हों? तो पूरे 8,000 की डिडक्शन मिलेगी, याद है ना? जब मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लास कराई थी तब मैंने बताया था वो 2,500 वाले कॉन्सेप्ट में मत उलझ जाना, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। प्रोफेशनल टैक्स को जितना पेड किया गया है पूरे की डिडक्शन मिलेगी। तो यहां पर ऊपर तो सेम ही रहेगा 1,26,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां भी मिलेगी 50,000 की, एंटरटेनमेंट अलाउंस यहां भी नहीं मिलेगा। हाँ प्रोफेशनल टैक्स आपको 2,000 की जगह 8,000 मिलेगा, तो आपका आंसर आएगा 68,000। सो आई होप इट इज क्लियर। पॉइंट नंबर सी में लिखा है क्या आंसर होगा अगर प्रोफेशनल टैक्स ड्यू 12,000 है लेकिन उसमें से पेड 7,000 रुपए किए गए हैं? जवाब बड़ा सिंपल है, ड्यू से कोई मतलब नहीं है, जितने पेड है उतने की डिडक्शन मिलेगी, 12,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 7,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो ऊपर वही सेम रहेगा, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा लेकिन यहां पर 7,000 की डिडक्शन मिलेगी, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। डी पॉइंट, क्या आंसर होगा अगर प्रोफेशनल टैक्स 10,000 पेड किए गए हैं जिसमें से 6,000 पिछले 3 सालों से बिलोंग करते हैं? क्या फर्क पड़ता है पिछले कितने सालों से बिलोंग करते हैं? जितने पेड किए गए हैं उतने की डिडक्शन मिलेगी, यानी कि पूरे 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। 1,20,000, 6,000, 1,26,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, निल, और 10,000 माइनस होगा, पूरा बचेगा आपका 66,000। ई पॉइंट है,
क्या आंसर होगा अगर एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स? एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर ने बोला मैं पे कर देता हूं, छोड़ना मैं पे कर देता हूं, तो सर आप जानते हैं अगर एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो ये एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया, तो ये ग्रोस सैलरी को निकालते समय पहले ऊपर ऐड किया जाएगा और फिर डिडक्शन भी मिलेगी क्योंकि अल्टीमेटली पे हुए हैं एम्प्लॉय के नाम से पे हुए हैं, तो माइनस तो होगा, डिडक्शन तो मिलेगी, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किए हैं एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया, इसे पहले ऊपर ऐड किया जाएगा। तो 126 यहां पर हम ऐड करेंगे प्रोफेशनल टैक्स 5,000 रुपए और यह आपका आ जाएगा 1,31,000। 50,000 की डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी मिलनी है, एंटरटेनमेंट अलाउंस के कोई चांस नहीं है और माइनस हो जाएगा आपका पूरा 5,000 रुपए एंड देन बैलेंस 76,000 विल बी योर इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ द क्वेश्चन पॉइंट नंबर एफ, व्हाट विल बी योर आंसर इफ एक्स इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड प्रोफेशनल टैक्स 7,000। अभी ये क्वेश्चन जो है ना ए पॉइंट से कनेक्टेड है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इस बार आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन भी मिलेगी। बेसिक सैलरी 10,000 × 12 = 120, एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 × 6,000 1,26,000, डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 5,000 मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन कितनी मिलेगी उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आपको आता है पहला पॉइंट आता है कि जितने अमाउंट एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ यानी कि 6,000 रुपए, दूसरा 20% ऑफ ग्रोस बेसिक सैलरी यानी कि 24,000 रुपए, तीसरा 5,000, तीनों में सबसे कम है 5,000, ऊपर एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम का माइनस होगा 5,000 और प्रोफेशनल टैक्स के नाम का 7,000 माइनस होगा। हम जानते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा 64,000। सो आई होप इट इज क्लियर। सर क्वेश्चन नंबर 17 मैंने करवा दिया है, अब आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। मैं आपको बता दूं मेरे पास मोर देन 50 क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ स्टडी करने वाला हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा सिंगल सिंगल क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मोर देन 50 क्वेश्चन। और यकीन मानो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद सैलरी में जो क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन आए, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो सीए सीएस सीएमए बीकॉम, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला क्योंकि इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस है। नो नॉट पॉसिबल। ओके क्वेश्चन नंबर 18, मिस अमीशा इज एम्प्लॉयड एज अ एयर होस्टेस इन एयर इंडिया। अमीशा जो है वो एयर होस्टेस है एयर इंडिया में। He is in receipt of the following during the previous year 1920. तो उसको ये बेसिक सैलरी मिला है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है, बोनस मिला है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है। ही हैज स्पेंट 12,000 फॉर द परचेज ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म फॉर ऑफिशियल पर्पज। ही हैज बीन गिवन 7,000 पर मंथ एज अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज इन द ट्रांसपोर्ट। कंप्यूट हिज ग्रोस सैलरी, हर ग्रोस सैलरी आना चाहिए, कंप्यूट हर ग्रोस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। आइए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी ऑफ मिस अमीशा फॉर असेसमेंट ईयर 2021 कैलकुलेट करते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पहले वाला जो अमाउंट है वो डिटेल्स कॉलम को डिनोट करता है एंड देन आउटर अमाउंट कॉलम जो है वो टैक्सेबल अमाउंट को कॉलम डिनोट करेगा। नंबर वन बेसिक सैलरी 60,000 रुपए महीना, 12 महीनों का 7,20,000। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिलता है 1,500 × 12 = 18,000, 1,500 रुपए महीना मिलता है, 12 महीनों का 18,000। यहां आपको एग्जम्पशन मिलती है जितने पैसे आपने यूनिफॉर्म के लिए परचेज और उसको मेंटेन करने के लिए किए हैं, दैट इज 12,000 रुपए। तो आपका टैक्सेबल यूनिफॉर्म अलाउंस इज 6,000 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर। देन बोनस, बोनस है 3 months ऑफ बेसिक सैलरी। क्या माने ये बोनस ड्यू है या पेड है? कुछ नहीं लिखा होता तो हम पेड मानते हैं, इफ यू रिमेंबर कुछ नहीं लिखा हम पेड मानेंगे। बोनस पेड होता है 3 महीनों का बेसिक सैलरी के इक्विवेलेंट, 60,000 रुपए से बेसिक सैलरी है, 3 महीनों की 1,80,000 बन गई, तो बोनस पेड आएगा 1,80,000 रुपए। एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करें 10,000 रुपए महीना है, 12 महीनों का 120, डिडक्शन तो नहीं मिलेगी, एयर इंडिया में है प्राइवेट कंपनी है तो डिडक्शन तो नहीं मिलेगी इसको। इसके बाद अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंस, मैं आपको याद दिलवा दूं जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज होते हैं अगर उनको अलाउंस मिलता है तो उसकी डिडक्शन जो होती है वो होती है 70% ऑफ द अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि उसे 7,000 रुपए मिले हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज,
वो जो इधर बेचारी इधर से उधर जाती रहती है एयर होस्टेस, कभी दिल्ली कभी मुंबई कभी दुबई, तो उसको कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कुछ अलाउंस मिलता है, उस अलाउंस को स्पेशल अलाउंस बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, अलाउंसेस विच आर गिवन टू द ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज, एंड उसकी एक अच्छी खासी डिडक्शन होती है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन भी होती है कि ऐसे एम्प्लॉय को डेली अलाउंस नहीं मिलना चाहिए, और क्वेश्चन में डेली अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो इसको डिडक्शन मिलेगी, इसको 7,000 पर मंथ मिलता है, इसको डिडक्शन मिलेगी 70% ऑफ 7,000 और 10,000 विच एवर इज लेस, तो 4,900 इंटू 12, 58,800 की डिडक्शन मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी, एग्जम्पशन 25,200 रुपए टैक्सेबल, दैट्स इट, इट इज ग्रॉस सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी आ गया। अगर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सैलरी पूछा गया होता तो हम डेफिनेटली यहां पर डिडक्शन देते स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते सर। मिस्टर एक्स फर्निशेज यू आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, तो एक्स का डाटा तैयार करते हैं हम लोग। बेसिक सैलरी इसको मिलती है 25,000 महीना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 25,000 इंटू 12 3 लाख। सर देखिए पहले 20, इनफैक्ट पहले 30 क्वेश्चन तक ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 30 के बाद वो क्वेश्चन है बड़े बड़े वाले जो फुल लेंथ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। देन डियरनेस अलाउंस है 8,000 रुपए महीना, जिसमें से 50% पार्ट ऑफ सैलरी बनेगा, ये जो लिखा ना 50% विच इज पार्ट ऑफ सैलरी, ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, ये कहना चाह रहा है, वो जो आप स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी निकालते हो ना वहां यूज करना इस 50% को। अभी तो आपको फुल 8,000 पे टैक्सेबल है, 8,000 इंटू 12, क्योंकि आप जानते हैं जब हम ग्रोस सैलरी निकालते हैं तो डीए फुली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा है 400 रुपए महीना इंटू 12, 4,800, डिडक्शन विडक्शन तो मिलने वाली है नहीं क्योंकि गवर्नमेंट इंप्लॉय तो लिखा नहीं कहीं। और फिर दूसरी बात, क्वेश्चन में ग्रोस सैलरी पूछा गया है तो वैसे भी आपको डिडक्शन का देखना ही नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस 7,000 महीना है तो 12 महीनों का 84,000 आ गया, माइनस एग्जेम्प्ट कितना आएगा इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा वर्किंग नोट के ऊपर, ठीक है। वर्किंग नोट में सर देखो क्वेश्चन में क्या एम्प्लॉय रेंट पे कर रहे हैं, हाँ सर एम्प्लॉय दिल्ली में है, उसका घर दिल्ली में है और वो रेंट पे करता है, तो सर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट आएगा। सबसे पहले जितना एचआरए मिला सर 7,000 मिला, 7,000 इंटू 12 84,000, रेंट पेड सर रेंट 8,000 है, 8,000 इंटू 12 96,000 माइनस, माइनस में करना होता है 10% ऑफ सैलरी, लेकिन 10% ऑफ सैलरी निकालने के लिए आपको पहले अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मीनिंग ऑफ सैलरी का। और बेसिक सैलरी लेंगे हम 3 लाख, क्योंकि 25,000 इंटू महीना है 12 महीनों का 3 लाख। डीए की बात करें तो 8,000 रुपये महीना है लेकिन उसका आधा लेना है, जब स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी है तो 50%, 4,000 रुपये महीना हो गया 12 महीनों का 48,000, कमीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, टोटल आ गया 3,48,000, इसका 10% जो है 34,800 रुपए माइनस करेंगे बचेगा 61,200। और तीसरा पॉइंट जो है वो 3,48,000 का आधा 50% ऑफ सैलरी लेंगे क्योंकि दिल्ली में घर है, तो 1,74,000, सबसे कम जो है वो 61,200 है, हम माइनस करेंगे 61,200, बैलेंस 22,800 विल बी टैक्सेबल। सो आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद लिखा है इन्होंने एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन, बड़ा आसान है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात कर रहे हैं, 300 रुपए है 3 महीनों 3 बच्चों का 12 महीनों का। सर आपने 100 100 100 क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पर 300 पर मंथ पर चाइल्ड लिखा हुआ है, हर बच्चे को 300 मिलते हैं, 3 बच्चे हैं तो तीनों को 300 300 300 मिले, ईच वाला पॉइंट हो गया ना ये, माइनस करेंगे 100 × 2 × 12 2,400 टैक्सेबल 8,400 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसे 3,400 रुपए पर मंथ मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसे 3,400 रुपए पर मंथ मिलता है, 1,400 रुपए पर मंथ वो स्पेंड करती है, सॉरी करता है, पहली बात तो इससे कोई मतलब नहीं वो कितना स्पेंड करता है, 3,400 मिलता है, तो ये आ गया आंसर। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी बोलो, सर एम्प्लॉई हैंडीकैप तो नहीं लिखा हुआ तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन नहीं आएगा, टैक्सेबल 40,800 आएगा, और ये आपकी ग्रोस सैलरी आ गई 4,72,800 रुपए। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, यस हां जी, क्वेश्चन नंबर 20, मोर देन 50 क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन हम एक क्लास में तो नहीं करेंगे, है ना, हाँ सारे क्वेश्चन एक क्लास में तो नहीं करेंगे, पार्ट्स में करेंगे, तो पहला पार्ट जो है वो आज हम यही खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, पहला पार्ट हम 20 क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो क्या है क्वेश्चन, मिस्टर कुमार इज वर्किंग इन दिल्ली,
विद एकेटीसी लिमिटेड एंड गेट्स द फॉलोइंग। ओके, मिस्टर कुमार के लिए निकालना है बेसिक सैलरी 20,000 महीना, 20 × 12 240,000। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालना है बस। डीआरएनएस अलाउंस 6,000 रुपए महीना है, 12 महीनों का 72,000। हालांकि 10% का कंसीडर किया जाएगा, लेकिन तब जब हम स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी निकालेंगे। कमीशन 5,000 महीना है, 60,000 रुपया आ जाएगा। एक कमीशन बोनस ड्यू है, ड्यू अगर है पेड नहीं है तो ग्रोस सैलरी निकालते समय बोनस को नहीं देखा जाएगा। एरियर जो बोनस है जितना मिला उतना टैक्सेबल कर दिया जाएगा 8,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपए महीना है तो सर ये फुली टैक्सेबल है, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कोई एग्जम्पशन नहीं है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसे एक बंगलो दिया गया है दिल्ली में जिसका फेयर मार्केट रेंट 6,000 है। मेरी बात सुनो, फेयर मार्केट रेंट 6,000 से मतलब है कि इसके जैसे और बंगलों का किराया इतना है, इस वाले बंगले का नहीं। इसका मतलब ये बंगला एम्प्लॉई को रेंट पे लेके नहीं दिया गया, ये बंगला एम्प्लॉयर का खुद का है। आपको याद होगा अगर बंगला एम्प्लॉयर का खुद का हो तो टैक्सेबल अमाउंट होता है 15% ऑफ सैलरी, और आपको निकालना है 15% ऑफ सैलरी किसका, मीनिंग ऑफ सैलरी का। तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है आओ दिखाता हूं। एक तो बेसिक सैलरी लेंगे 20,000 महीना 240,000, फिर डीए है वो एंटर लेंगे यानी कि 6,000 नहीं 600 रुपए महीना, उसका 10%, 600 महीना तो 12 महीनों का 7,200। कमीशन लेंगे 60,000। एचआरए में हम कमीशन वो लेते हैं जो परसेंटेज बेस्ड होता है, लेकिन आरएफए में दोनों कमीशन लेते हैं, कोई भी कमीशन हो। बोनस ड्यू लेंगे, बोनस ड्यू लेते हैं, पेड भी लेते हैं, किसी और ईयर का बोनस हो वो नहीं लेते, लेकिन इस ईयर का बोनस होना चाहिए तो हम लेंगे। तो सर सिंपल है, 6,000 रुपए बोनस ड्यू है वो ले लेंगे। एरियर्स ऑफ बोनस हम नहीं लेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम लेंगे 21,600। टोटल आ गया 3,34,800, इसी का 15% जो आएगा वो 50,220 है और वही टैक्सेबल है, वही 50,220 टैक्सेबल है, और ग्रोस सैलरी आ जाएगी आपकी 4,51,820 रुपए। प्लीज टेल मी द क्वेश्चन नंबर 20 इज क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 20 अब क्लियर हो गया, हमने पहला पार्ट कर लिया आज सैलरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, अगली क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, राइट। चलिए प्लीज आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय।